क्या क्या आइटम्स बनाते हैं यहाँ? तो काफ़ी चीज़ें हैं, कीमा चाप कबाब भेजा कलेजी मटन चाप चाप अंडा लपेटा। लपेटा क्या होता है? उसको ऑमलेट में रैप करके देते हैं। हाँ, चाप सेक के ऑमलेट में रैप करके देते हैं। ये मटन कबाब है, चिकन चाप है, चिकन कलेजी भेजा फ्राई, चिकन करी, चिकन मसाला। अनारकली ऑमलेट, अनारकली ऑमलेट क्या रहते हैं, ऑमलेट को पहले पेट लेते हैं, फिर ब्रेड में डिप करते हैं उसको अंडे को, उससे वैसे फिर सेक के बनाते हैं उसको। फिर हो गया बॉयल अंडा, हाफ फ्राई, भुज्जी चिकन मसाला, चिकन चाप। हाँ जी। ये जो हार्ट शेप्ड है ये क्या है? ये मटन चाप है, तो कीमा चाप बोलते हैं। मतलब कीमा की टिकिया है। हाँ जी। यहाँ पे बनाया जा रहा है लपेटा, जो कि मटन चाप है, उसको ऑमलेट में लपेट दिया गया है। और इसमें कुछ स्पेशल मसाले भी हैं, इसमें MS मसाला है, इनकी दुकान है, इसका नाम ही है मोहन चाप सेंटर। इनके खुद के स्पेशल मसाले होते हैं, वो इसमें इन्होंने डाला है। पुदीने की चटनी में लगा के ज़बरदस्त। जो ये चाप है इसका टेक्सचर देखें, कितने अच्छे से इसको तवे पे पैन फ्राई किया है, बिल्कुल क्रिस्प। हाँ मैम, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, धन्यवाद, सत श्री अकाल। ये आ गए हम लोग भांजी भाई, काफ़ी भीड़ है। अंकल नमस्ते। यहाँ पे लुधियाना, ये तो गुजिया है, बालूशाही, खाजा, खोया जलेबी, कलाकंद है। तो यहाँ पे हम क्या ट्राई करने वाले हैं? खोया जलेबी और कलाकंद ट्राई कर लेते हैं, बहुत फेमस है और फेवरेट भी। और कई तरह की यहाँ पे नमकीन भी है। जी, नमकीन भी यहाँ की बहुत फेमस है, ऐसे तो हर चीज़, मतलब भांजी भाई नाम चलता है यहाँ पर। चलिए सर, हमें एक पीस खोया जलेबी दे दीजिए और एक पीस ये कलाकंद। काफ़ी ग्रेनी टेक्सचर है। हाँ, क्या क्या बात है, अच्छे से पका हुआ है। और इसमें थोड़ी चाशनी भी कम होगी। आई बिल्कुल जैसे गुलाब जामुन होता है, हाँ वैसा ही है, मुंह में जाके घुल जाए। ये नमकीन क्या है? करेला चिप्स, एक पीस दीजिएगा। तो मिठास को बैलेंस करने के लिए, मिठास को काटने के लिए। काफ़ी टेस्टी है लेकिन। हाँ, काफ़ी क्रंची है, क्रंची भी है, और आफ्टर टेस्ट बिटरनेस आता है। तो यहाँ पे पकाई जा रही है कुकर बिरयानी, जिसमें चिकन को मैरिनेट करके रखा जाता है। जो भी चिकन में आप, जो ग्रेवी चिकन में मसाले डालते हैं, वो मसाले प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब डाल के मैरिनेट करके आधे घंटे रखते हैं। उसके बाद कच्चा इसमें रखा जाता है, चावल को आधा पकाने के बाद फिर उसकी परत लगा देते हैं। ये क्या है? मीटर प्रेशर बताता है। प्रेशर मीटर है। अच्छा, तो कितना प्रेशर रहना चाहिए? कितना? 10 तक आना चाहिए, उसके बाद बंद कर देंगे। अरे भाई साहब, ये तो एकदम खतरों के खिलाड़ी की तरह आप काम किए हैं।
ये चावल बहुत ही शॉर्ट ग्रेन मतलब छोटे चावल है इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। इस एरिया में जो बासमती राइस इतना लोग पसंद नहीं करते, सब पूछते हैं छोटे चावल की बिरयानी है तो हाँ ले आओ। अच्छा सर, ये चावल जो इस्तेमाल करते हैं ये लोकल नहीं, छत्तीसगढ़ के चावल है? ये बाहर का चावल, ये आंध्रा साइड से आता है। क्या नाम है इस चावल का? ये सुप्रीम स्टार करते हैं। सुप्रीम स्टार, ये तो कंपनी का नाम होगा, कोई लोकल नाम होगा इस चावल का? ये वो HMT बोलते हैं ना, वो चावल है, इसकी ब्रांच यानी रेंज अलग अलग कंपनी वाले वो करते हैं, अभी ये चला रहे हैं। ये छोटे दाने हैं? हाँ छोटे दाने हैं। क्या नॉर्मली जैसा शादी वगैरह में जो जिस चावल की बनती है ना पार्टी वगैरह में उसी टाइप की। और ये है दाल? दाल कौन सी दाल होती है? ये चने की दाल होती है। चने की दाल, और साथ में ये दही का मट्ठा बोलते हैं। दही का मट्ठा। सबसे पहला टेस्ट जो आया वो आया लहसुन का, हाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है लहसुन का। चिकन काफ़ी जूसी है। कई लोग अच्छे चिकन बिरयानी को या मटन बिरयानी हो उसको मापते हैं कि मटन के पीस कैसे थे, मैं मापता हूँ चावल से कि चावल का क्या जायका था। ये जो आप एक भी दाना खाएं चावल का उसमें स्वाद आना चाहिए। और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जो चावल पका रहे थे उसमें भी खड़े मसाले डले हुए थे, उसमें पुदीने का पत्ता भी था, सब कुछ था, तो चावल में ये फ्लेवर आ जाता है, है? चिट्ठापन नहीं लगता, फ्लेवर आ जाता है बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप परत लगाते हैं, और जो चिकन मसाला हम लोग घरों में बनाते हैं, चिकन करी घरों में बनाते हैं, उन्हीं मसालों में मैरिनेट करके रखते हैं, उसके बाद परत लगा दी, फिर 10 मिनट में बन के तैयार। और ये अच्छा है, जैसे आपने प्रेशर कुकर में पकाया, अब पता नहीं इस पर लोगों की बहस होगी कि बिरयानी है कि नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाया गया। अब इसको जो भी माने, है बहुत स्वादिष्ट है कि नहीं? बिरयानी तो है, दावत वाला टेस्ट आता है यहाँ पर अगर बैठ के खाया जाए तो, किसी की दावत में गए एकदम लग भी रहा शामियाना लगा हुआ है। चलिए शुक्रिया रमेश भाई, चलिए। यहाँ का बहुत फेमस है चिकन बर्रा, तुम चिकन बर्रा खाने वाले हैं? अच्छा हमें जना इस इलाके के बारे में बताइए। ये बैजनाथ पारा है जो कि बहुत मशहूर एक इलाका है, जहाँ पे नॉनवेज के लिए बहुत मशहूर है, और ये पूरा मुस्लिम इलाका है, तो मतलब बोला जाए तो नॉनवेज के ऑथेंटिक टेस्ट अगर चाहें तो आप बिल्कुल बैजनाथ पारा में आ सकते हैं। और यहाँ सबसे अच्छा माहौल होता है रमज़ान का। कुछ स्पेशल डिशेज बनाते हैं रमज़ान के टाइम पे यहाँ पे? हाँ बहुत सारी, जो सिर्फ रमज़ान में ही मिलती है, बहुत सारी है, हलीम और ये सब चीज़ें जो एक रहती है वो, खिचड़ा और कीमा कब, कीमा पूरी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रमज़ान में ही मिलती हैं यहाँ पे। तो ग्रिल करने के बाद इसमें डाल रहे हैं अमूल क्रीम, बर्रा का मसाला। मक्खन और क्रीम ने रायपुर में भी दस्तक दे दी है। आप कहीं भी जाएं, चाहे वो कलकत्ता हो या दिल्ली हो, हर जगह पे अब कबाब पे, टिक्के पे मक्खन और क्रीम का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। मैं वही कह रहा हूँ कि मक्खन और क्रीम ने अब रायपुर में भी दस्तक दे दी है कि नहीं सर? जी। कितना समय हो गया आपके शॉप को? 7 अक्टूबर को यहाँ पे। अच्छा लास्ट ईयर ही शुरू किया है, तो ये डिश आपने ही इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे? जी है। कहाँ, दिल्ली से इंस्पायर्ड होके? कानपुर से, हाँ बहुत अच्छी उन्हीं के, कानपुर में बहुत चलता है चिकन बर्रा के नाम से। जी जो बर्रा हम जानते हैं ये वो बर्रा तो नहीं है लेकिन हाँ, लेकिन है बहुत ही उम्दा। देखिए डिश के नाम में क्या रखा है, स्वाद बढ़िया होना चाहिए। इसमें अच्छी सी हल्की सी खटास भी आ रही है, नींबू, नींबू रहता है, नींबू डालते हैं इसमें? नींबू रहता है, खटाई रहती है। Thank you.
ये है कलेजी लीवर, इसको बोलते हैं कलेजी काड़ी, और ये है मटन काड़ी, दोनों की दोनों फ्राइड है लकड़ी के स्क्यूअर पे लगा के उसके बाद फ्राई कर देते हैं इसको, सही। और मलाई टिक्का, काजू आलू का पेस्ट लगाया हुआ है, हाँ शाही टेस्ट, हाँ महंगा टेस्ट। एक जो शाही वर्ड है वो इतना करप्ट हो चुका है। मैं गया एक जगह पे खाने के लिए, उन्होंने बोला शाही समोसा है, मैंने पूछा भाई इस समोसे में खास क्या है, मैंने इसमें काजू का टुकड़ा है। उसके बाद जब समोसा खाया एक काजू का टुकड़ा निकला उसमें से, वो भी आधा, इसलिए उन्होंने टुकड़ा कहा, तो शाही समोसा बन गया, तो शाही मतलब ड्राई फ्रूट डाल दिया शाही बन गया। और मुझे इनफैक्ट ऐसा ही पसंद आता है, मेरे को बिल्कुल ज़्यादा गला हुआ पसंद नहीं आता। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना कबाब खाते हैं तो बोलते हैं मेल्ट इन माउथ कबाब, मेरे को नहीं, हल्का सा मुंडे वाला, हाँ मतलब हल्का सा चबाना पड़े, मतलब बिल्कुल ही ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड भी ना हो, मीडियम, जब चबा नहीं पाएंगे जब आपको चाहिए रहेगा वाला ना, दलौटी वाला। यह है NFC है नूरजहाँ फ्राइड चिकन, अच्छी लेयर है। ये आपका रबड़ी है जो कि कुल्लड़ में सर्व किया गया है, आइए कुल्लड़ रबड़ी, आप कुल्लड़ रबड़ी बोल रहे हैं मुझे कुकर बिरयानी याद आ रहा है, वही रह गए आइए। वाह बिल्कुल ठंडी रबड़ी और दानेदार, वाह ऐसा लग रहा है छेना खा रहे हैं, हाँ या कलाकंद, कलाकंद एकदम फ्रेश वाला, हाँ ठंडा करके बहुत शानदार, ये मज़ा आया खा के, डेजर्ट ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, कबाब टिक्का, हाँ पूरा स्ट्रीट फूड लेन है, स्ट्रीट फूड है, नॉनवेज है पूरा, और रात को काफ़ी अच्छा माहौल रहता है रात का, तो लोग अपना काम धाम करके सीधे यहाँ जाते हैं खाने के लिए और घूमने के लिए। ऑफर डिस्काउंट चिकन सेल छूट, यही आए हैं, चिकन पकौड़ा बोन पीस 250 रुपये किलो, यही आए हैं, क्या बात है, थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा हमें, डिस्काउंट फुल डिस्काउंट है, आइए। अच्छा ये बताइए ये कोरोना काल ग्रेवी क्या है, ये अभी जैसे कोरोना आया ना, हाँ तो अपने देखा कि लोगों के पास अभी पैसे की अभी कमी चल रही है, हाँ हाँ सेवा भाव से हमने इसको निकाले कम में, 100 रुपये में पैकेज, आप जो है अच्छी से अच्छी चीज़ खा सकते हैं, चिकन कड़ी मसाला हाफ प्लेट, 3 नग तवा रोटी, बिरयानी राइस खुश कर कर क्वार्टर, दाल रायता मात्र 100 रुपये में, सब चीज़ का रेट हमारे अभी कम कर दीजिए, जब तक कोरोना आया जो सामान 400 रुपये किलो था उसको 350 रुपये किलो कर दिए, जो 300 रुपये किलो था उसको 250 रुपये किलो कर दिए, देखिए बोल रहा हूँ इधर लिखा हुआ, अच्छा जो 300 इधर 250 हो गए, जो 400 इधर 500, ये देखिए प्यार हो गया, तो अलग अलग प्लेट का अलग अलग फ्राई करते हैं ऐसा क्यों, मतलब हम फ्राई करके रखते नहीं, ज़्यादातर होटलों में क्या होता है कि लोग आधा फ्राई करके रखे रहते हैं, हाँ अब वो क्या माल रहता है मतलब सवेरे से बनाया हुआ रहता है माल जो, तो उनको बना के उनको तल के रखना जरूरी नहीं, तो ख़राब हो जाता है माल जो है, और हमारा माल जो है शाम में ही बनता है, तो मतलब इन्हें समझो कि 5:30 बजे बनाए अपन फ्रेश माल निकालते हैं और फ्रेश सामने में तलते हैं, और जिसका जैसा ऑर्डर हो, जिसका ऑर्डर रहेगा, तो कोई बोला 1 पाव चाहिए हमारे को, कोई बोला आधा किलो चाहिए, कोई 1 किलो चाहिए, तो जो जितना बोलेगा उसमें उतना ही जाए, तो लोगों को काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता होगा, अभी तो क्या है आज 1 भट्टी चल रही है लेकिन वैसे 3 भट्टी चलती है, अच्छा फिर ठीक है, यानी कोरोना आया नहीं, हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ा, चलिए
होलसेल से बिजनेस में जो माल जो है मैं करीब मैं बनाता था समझो 200 किलो माल डेली बेचता था, हाँ हाँ, अभी 60-70 किलो माल बेचता हूँ। बहुत ही उम्दा, मतलब रायपुर में कोई ऐसा चिकन टिक्का बनाता ही नहीं, कोई नहीं, बहुत शानदार है। इसको आप फ्राइड चिकन बोलें या चिकन पकौड़ा बोलें, इसमें ना तो बेसन है, ना कॉर्नफ्लावर है, ना मैदा है, हैं सिर्फ इनके मसाले की कोटिंग है। और जो साहब बता रहे थे कि 3 घंटे इसको मैरिनेट करके रखते हैं, उसके बाद इसको फ्राई करते हैं, और जो तेल भी इस्तेमाल करते हैं वो मिक्स है, सरसों का तेल और मूँगफली का तेल दोनों मिला के करते हैं। बट कहीं भी ऐसा वो नहीं कर रहा है सरसों और मूँगफली, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट। चला जाए, अच्छा शाहिद भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ मिलते रहिए, मिलते रहिए, मतलब जो मेहनत कर रहे हो जो आप लोग जो है और हमारे लिए खुशी की बात है, तो आप लोग से क्या हमारा जो मतलब उत्साह जो होता है एक जोश बोलने से कि हमको और करना है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है, शुक्रिया। ये मैदे में क्या मिलाया है आपने, पीला पीला केसर? केसर, अरे वाह, ये भी शाही है, महंगे लोग, हाँ एक नंबर। और इसको अब रोल कर दिया जाएगा, चिकन केसरिया रोल आपके लिए, आपके लिए, और हम दोनों थोड़ा थोड़ा खाएंगे, हैं बिल्कुल एक तरह से आप कहें लच्छा पराठा, उसके ऊपर अंडा, उसके ऊपर डाला इन्होंने चिकन, और फिर उसके बाद प्याज, फिर मेयोनीज, फिर चिली सॉस, फिर टोमेटो सॉस, हैं, और तैयार हो गया केसरिया चिकन रोल। आइए जायका लिया जाए। है तो अच्छा, चटपटा, टेस्टी है, ग्रेवी भी अच्छी है। हाँ ये आ गए हम लोग दौलत पान पैलेस, सब कुछ खाने के बाद पान बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए जो लोग बैठे हुए यहाँ पे चौक पे इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली ये जो बैठे हुए हैं उसको हम लोग मजाक की लैंग्वेज में उसको गीबत पाटा बोलते हैं। गीबत मतलब होता है इसकी उसकी चुगली करना, बातचीत करना, नहीं इसकी उसकी चुगली करना, चुगली पाटा। तो ये गीबत पाटा लगा हुआ है, हाँ। है तो क्या चुगली करते हैं यहाँ पे, किसकी चुगली करते हैं आपस में जो भी उनकी मर्जी हो, हैं दिन भर की इधर उधर की बातें, इस पार्टी ने किया उस पार्टी ने वो किया, 3 बजे तक की लाइव है आपको, मतलब बैठे हुए सबका टाइमिंग है, सबका ग्रुप है। सही, यानी अभी 12 बजे अगला ग्रुप आ जाए, यानी पॉलिटिक्स वाला, यानी जाट टेवर के जितने ही मतलब वो है मेयर, उन लोग आके मतलब बैठेंगे, यानी मेयर के जो आदमी लोग रहेंगे वो लोग आके बैठ के। फिर ये सोते कब हैं, उसके बाद काम के लिए कब निकलते हैं? सबका अलग अलग है, अल्लाह मालिक है। रात के मतलब क्या सुबह के 3 बजे तक बैठना, उसके बाद फिर घर जाते होंगे, फिर सोते होंगे और फिर सुबह काम पे निकलते होंगे, यानी हमारा जैसा 2-2.5 बजे मतलब दुकान बंद होती है तो अगले दिन फिर 2 बजे खुलती है ऐसा। अच्छा आपकी दुकान दोपहर में खुलती है? नहीं सभी यहाँ पे सभी इतने में 2 बजे के बाद मार्केट है, यानी वो पहले खुल जाती है, हाँ हाँ, वो मतलब 12-11 बजे तक खुलती, बाकी जो ये सब शॉप है यानी मार्केट जो लाइन में जो है 6 बजे दुकानें खुलती शाम में, यानी इस लाइन जो आप अपन जो कवर करने आए थे वो सब 6 बजे के बाद का था। ऐसे अच्छा भी है, गर्मी का समय लोग अपना तसल्ली बख्श निकलते हैं, अपना शाम में निकले चौक चौराहे पे गए, अपना बैठे बातचीत की, हाँ चलिए बस काम काज पैसे का कुछ जरिया होना चाहिए, फिर तो मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहूँगा। आप उससे अच्छी जी रहे हैं। अरे पान तो खाएंगे, उससे पहले मैं आपका लुजीना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने बहुत ही अच्छे से हमें बैजनाथ पारा का एक फूड टूर कराया,
और काफ़ी उम्दा जैसे का जायका भी दिलाया, खासकर जो मेरे लिए हाईलाइट रहा वो कुकर बिरयानी रहा। इनफैक्ट सभी चीज़ें अच्छी थी लेकिन कुकर बिरयानी खाने में बहुत मज़ा आया। और अपना फूड टूर एंड कर रहे हैं दौलत पान पैलेस पे, सादा पान के साथ, पान के साथ आइए। ये जो आप देख रहे हैं जो एक माइलस्टोन बना हुआ है जिसमें कनाडा, अमेरिका और दुबई तीनों कितनी कितनी दूरी पे यहाँ से हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। हम इन तीनों में से कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रोड कैफ़े। आइए अरे सर क्या बात है, ये तो आपने दिल खुश कर दिया है। DFW तो हमें अपने कैफ़े के बारे में बताइए। सर ये ना मैंने इधर माई बाइक फॉर यू ये मेरा छत्तीसगढ़ बाइक रेंटल सर्विसेज है। मैं बैकग्राउंड बाइक रेंटल का सर्विसेज है। हाँ सेल्फ ड्राइव बाइक रेंटल सर्विसेज छत्तीसगढ़ की पहली जो ऑर्गेनाइज्ड वे पे काम कर रही थी। साल भर हुआ कैफ़े भी होना चाहिए जहाँ पर थक हार के जो मेरे बाइक लेके गए थक हार के जो बंदा आएगा रुकेगा कहाँ पर, मेरे कैफे में रुके। उससे ज़्यादा फिर हमने थीम डिज़ाइन किया है, इंटीरियर बुलाया, मतलब इसका नाम भी रोड कैफे ही रखना, मतलब पूरे थीम उसी पर चलना चाहिए, बाइक रोड। बॉर्न टू राइड, अब तो लूना देखने को नहीं मिलती। मतलब मैं बीकानेर में था, एक दो लूना देखी खुश हो गया आने का। नहीं ये लूना की खासियत मैं आपको बता दूँ, मैं लेके आया चला के मैं लेके आया था तो इसको 7-8 महीने हो गए, पंचर हो गई है वगैरह, चला के मैं लेके आया था। तो हम लोग पेंटिंग भी हैंड पेंटेड पूरा हम लोग खुद ही किए थे। एक स्कूटर ये बड़े से इसमें आप देखेंगे नंबर यू एस ए, एक स्कूटर में रखे वहाँ पीछे, उसका नाम इराक, मतलब दोनों दूर तो रख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा अलग अलग रहे, तो उसका आधा हिस्सा वो लगा ऊपर, वैसे वो स्कूटर का आधा हिस्सा ऊपर लगा। क्या बात कि इसको हम बस स्टैंड पे जैसे होते हैं ना वॉशरूम, वैसे हमने क्रिएट किया था कि थोड़ा रग आवाज़ आए, छोड़ेगा ना आवाज़ आनी चाहिए। एक एक चीज बहुत बारीकी से आपने डिजाइन की है, पुरुष महिला। हाँ सर आप बताइए किससे शुरुआत करें। इससे शुरुआत हुई पनीर से, पनीर सॉटे, इसके ऊपर में मूंगफली वगैरह लगाया हुआ है आपने। मतलब पनीर के ऊपर में कॉर्न फ्लावर की कोटिंग लगा के जी, फिर फ्राई करके फिर इसको जो हम लोग अपना देसी चाइनीज़ ग्रेवी होती है, देसी चाइनीज़ ग्रेवी में मतलब ज़्यादा तीखी भी ना पड़े उस ग्रेवी में करके उसके ऊपर हल्का सा हमने उसको हटा दो अभी, उसके इसमें मूँगफली लगा दिया जी, थोड़ा क्रंचीनेस के लिए। ये वेज कबाब है, ये ऊपर में क्या है? ये टमाटर से। अच्छा टमाटर, ये काजू है, टमाटर। हाँ इसके अंदर में स्टफिंग की हुई है, स्टफिंग की होती है। किस चीज़ की स्टफिंग करते हैं सर? ये मिक्स रहता है, आलू भी रहता है, हल्की सी ग्रेवी रहती है और सॉसेज वगैरह मिला के उन्होंने, हल्का सा क्रंची रहेगा। क्या जायकेदार है, मैं ये लेता हूँ। दही के, दही का आपने सैलेड बनाया हुआ है, मुझे लगता है आप चम्मच से ज़्यादा अपने हाथ प्रेफर करते हैं। हाँ खाने का स्वाद हाथ से ही आता है, चम्मच से खाने के बाद अब ऐसी चीज़ें हैं कि चम्मच छुरी कांटे से खाने में मज़ा ही नहीं आता, ठीक है ना?